तुमने बड़ा क्यों दांत निकाला? आईना कभी झूठ नहीं बोलता, भले वो कमजोर है, झूठ बोलने में कभी कमी। तो सामने वाला व्यक्ति अगर मेरी बुराई बताता है, वो आईना है, उसको थैंक यू करके अपना परिवर्तन करो, तब आप डबल लाइट रहेंगे। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो? मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन प्रॉब्लम ने महान बनाया। एक दिन मेरे मन में आया मुझे कुछ लेख लिखने, तो मैंने जिंदगी का पहला लेख लिखा। रात को 10 बजे सो गया, जागते जागते 2 बजे तक पूरा हुआ। फिर दोबारा एक बार पढ़ा, करेक्शन हुआ, दोबारा लिखा 4 बजे। फिर अमृत वाला करके आया, योग करके किचन में गया, वही लेख को फोटो कॉपी करने के लिए व्यक्ति के पास लेके गया। मैंने कहा इसको तो फोटो कॉपी करो, उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े किया, कचरे में डाला। ये तो तुम लेखक बनने के लिए सेवा करने के लिए, अब कितना गुस्सा आना चाहिए, तो थप्पड़ मारनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला, बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। अब तब से लिखना शुरू किया, 40 मैगजीन का लेखक, 3000 से ज्यादा लेखक। मैंने केवल ये नहीं बोला कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, हमने खुद किया है। ऐसे एक दिन मन में आया मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मैं जब दिल्ली में शेल्टर पर रहता था, मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैंने 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया ज्ञान। तो मैंने सोचा एक दिन कोई व्यक्ति आया, कहा कि आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ज्ञान सुना रहा था, ये तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते हो, ऐसा बोला, मान गया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। रोज मैं बगीचे में बैठता था, कुछ गमले में पड़ा रहता था, गमले को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे, 6 साल तक गमले को सुनाया, और सुनाते सुनाते 9000 स्कूलों में, 900 जिलों में लेक्चर करते करते इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। आज आप लोग तो गमले तो नहीं है ना, पहले तो आप लोगों को गमले के रूप में देखते थे। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा, कई को लगता है ना मधुबन में मधुबन वालों को मधुबन वाला बनना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज इसीलिए बाबा कहते बच्चे सहनशील बनो। तो नेगेटिव को क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप ये 5 बातें भी याद रखेंगे तो भी आप सदा कैसे रहेंगे? हल्के रहेंगे।